गोटिया। तो फाइनली दोस्तों हमारा गोटिया जा रहा है। चलो अभी जो है कि भाई अपना मथुर जो है उसको छोड़ देते हैं ब्लैक गियर हिट पे। गए मारती है मथुर को। फाइनली जो है कि अपनी ब्लैक गियर की ब्रीडिंग हो गए, अभी तो पूरी बैठ गई लेकिन अभी पूरी फटाफट से छोड़ देते हैं उसको भी, कर दे बंद अंदर। ये देखो दोस्तों यहाँ पे तो देखो चलो तो अभी जो है कि इनको छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे जो है कि भाई गाय अभी डेली जल्दी छूटेंगी क्योंकि वाड़ा पैक है तो कोई टेंशन है नहीं। अभी बज रहे हैं 8 और अभी छोड़ देंगे ताकि आराम से खाएंगे। छोटे बच्चे जो है कि इस वाड़े में छोड़ेंगे, गाय जो है कि उनको उस वाड़े में छोड़ देंगे। और आज जो है कि अपनी ब्लैक गिर जो है ये वाली ये भी हीट पे है और गोटिया जो है इसको आज सूरज भाई बोल रहा है कि छोड़ने के लिए जाना है। मैंने बोला ठीक है, सूरज भाई गया है अभी दूध लेके, जैसे वापस आता है फिर जाके गोटिया जो है उसको छोड़ के आते हैं और अपने ब्लैक गिर जो है वो हीट पे है तो मथुर से उसकी ब्रीडिंग करवाएंगे। क्योंकि अभी जो अपना मथुर जो है भाई ब्रीडिंग करता है तो अभी इस साल जो है कि सभी गाय की ब्रीडिंग जितनी भी बाकी है उसकी मथुर से करवाएंगे तो अगले साल जो है कि भाई रिजल्ट जो है एकदम बेस्ट आए, भाई बछड़िया बछड़े एकदम क्वालिटी आए। अभी एक काम करते हैं, गाय जो है इनको अभी तो पूरी बैठ गई लेकिन अभी पूरी फटाफट से छोड़ देते हैं, गोटिया जो है उसको बांध के रखेंगे क्योंकि सूरज भाई आने के बाद जो है कि अपना गोटिया जो है उसको जाके पोपट मामा के वहां पे छोड़ देंगे। हट धोए उठो उठो। अरे भाई ये देखो भाई ये किसमें घुस गई। अरे वो तेरा वाड़ा ने छोटे बच्चों का वाड़ा, निकल बाहर निकल बाहर बाहर निकल बाहर निकल 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 बाहर निकल। चलो अभी जो है कि भाई अपना मथुर जो है उसको छोड़ देते हैं ब्लैक गियर हिट पे है, गोटिया जो है उसको बांध के रखेंगे। तेरे को नहीं छोड़ेंगे, रुक मथुर। अब पानी पीने आए तो पानी पियो, खाना खाना है तो खाना खाओ। अरे हाँ तो फिलहाल जो है कि गाय सब छोड़ दिया है, अभी गेट लगा देते हैं, पानी जो है कि अंदर भरा हुआ है। ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हूँ करो हूँ। अच्छा बूट पहना रहे भाई को है? हाँ बूट नहीं निकालना है। हाँ हाँ क्या है, भाग उधर भाग सुबड़े। अरे इतना जल्दी कौन छोड़ दे तुमको, इतना जल्दी छोड़ दिया है, अभी आराम से इसमें नाचो कूदो खाओ। हट हट। अरे यार गाय को गिरा दिया। लेग जर्सी की बछड़ी को भी इसमें छोड़ दिया है और इस वाले नन्हे मुन्ने को भी छोड़ दिया है। पब्ली भी भेज दे अंदर, उसको धूप लगेगा। मैं इस पे वहां पे देख यहाँ से मुंह निकाल रहे है। ये दो तीन हकल दे यहाँ से। सुबह सुबह भाई ये मथुर जो है खाने में मस्त है। अरे 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 ऐ अरे ज्यादा दूध हो गया तेरे को। हाँ ज्यादा हो गया तेरे को दूध, ज्यादा हो गया। हेलो दोस्तों कैसे हो गए हम सब, कैसा है, आई होप आप सब मौज में हो। मैं एकदम मौज में हूँ। तो फिलहाल जो है कि भाई अपना गोटिया जो है उसको जाना है आज मामा के घर पे छोड़ने के लिए, लेकिन अपनी ब्लैक गिर जो है वो आज है हीट पे। अगर एक बार उसकी ब्रीडिंग हो जाती है तो इसको जाके छोड़ के आएंगे, नहीं तो आज जो है कि पूरे दिन भर हमें जो है कि बांध के रखना पड़ेगा और मथुर जो है उसको खुलाए रखना पड़ेगा क्योंकि गोटिया जो है ना मथुर को मारता है। अगर डेली इनका 2-4 दिन अगर ऐसा चलता रहा तो फिर इनमें जो है कि फिर से दुश्मनी हो जाएंगी, फिर गड्ढा और गोटिया जैसे लड़ते वैसे मथुर और गोटिया लड़ेंगे। ऑलरेडी जो मथुर है वो तो मारता नहीं है लेकिन भाई गड्ढा जो है वो मथुर को मारेगा भाई, तो मथुर अगर एक बार डर गया ना भाई तो ब्रीडिंग नहीं करेंगे, मुश्किल से वो जो है ब्रीडिंग करने लगा है। तो सूरज जाने के बाद जो है कि इसको छोड़ देंगे, मथुर से एक बार ब्लैक गिर की ब्रीडिंग हो जाए तो इसको तुरंत छोड़ देंगे। तो फिलहाल जो है कि इधर सूरज भाई आ गया है और इधर है हमारे भरत भाई और हमारा जो गोटिया है वो भरत भाई के घर पे भी जाने वाला है। सूरज भाई एक बार ब्रीडिंग हो जाने दे, कंफर्म हो जाएंगे तो फिर अपन गोटिया जो है उसे छोड़ देंगे उधर। गाय मारती है मथुर को। अभी जो है कि भाई यहाँ पे लगाना है नेट, तो यहाँ पे जो है कि एक लकड़ी लगा दी है और दूसरे वहाँ पे सीमेंट के पोल है वो खड़े कर देंगे और यहाँ पे नेट लगा देंगे, तो इधर कोई टेंशन नहीं, कोई बच्चा बच्चा छूटे तो जाए ना उधर। अभी तक जो है कि उसकी ब्लैक गिर की ब्रीडिंग नहीं हुई है तो इसकी वजह से हमने गोटिया जो है उसको बोला कि थोड़ी देर रहने देते हैं, अगर इसकी ब्रीडिंग होती है तो ठीक है नहीं तो फिर गोटिया को छोड़ना पड़ेगा। अभी यहाँ पे नेट लगाना है लेकिन नेट अभी नहीं लगाएंगे भाई क्योंकि भाई अभी ऑलरेडी लेट हो गए हैं, तो नेट जो है शाम को लगाएंगे, वो एक गड्ढा करना है। ओके अभी तक जो है कि भाई गोटिया को वहीं पर बांध के रखा है
और इधर जो है कि मच्छर खुला है, मुझे लगता है शायद हो जाएंगी ब्रीडिंग, थोड़ा वेट करते हैं। फाइनली जो है कि अपनी ब्लैक गिर की ब्रीडिंग हो गई। अभी देखी मैंने, अभी एक काम करो, गोटिया अभी छोड़ने के लिए गए, गाय तो चरने के लिए चली गई। गाय चरने के लिए लगे खून करता यार, वो दिन भर यार भूखा रहता है, इधर कुछ खाता नहीं, इधर भी नहीं खाता, इस तरह चिल्लाता रहता, देखो अभी कैसा हो गया। चलो तो अभी फाइनली जो है कि भाई अपने ब्लैक गिर जो है उसकी ब्रीडिंग हो गई है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था अगर उसकी ब्रीडिंग जो है मच्छर से नहीं होती है तो हमें गोटिया से ब्रीडिंग करनी पड़ती, लेकिन फाइनली जो है कि ब्रीडिंग जो है उससे हो गई है, तो अभी जो है कि अपना गोटिया जो है फाइनली जा रहा है। अब पता नहीं हम गोटिया को कब लेके आते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी एक ही बुल है, वो बड़ा बुल है, तो उनको भी बहुत ज़रूरत है, और जब भी हमें मन करेंगे तब जाके हमारा गोटिया जो है वो तो लेके आएंगे। गोटिया तो एकदम बाजू में ही है, गड्ढा जो है उसका हम एक दो दिन में जाने वाले हैं। अभी जो है लगभग काम जो है हो गया है, घर का काम दो दिन के लिए ब्रेक किया है, वहाँ पे उतना नेट लगा देते हैं ताकि पूरा काम जो हो जाएगा ख़त्म। सुबह सुबह जो है कि छोटे बच्चों को यहाँ से सोयाबीन का भूस डाल दिया, फिर पेट भर खाया, कुछ बच्चे बैठ गए। मैं क्या कर रहा? अच्छा बच्चों को पानी पिला रहा, ओके। ए मथुर वो गिरा देगा, तू गिरा देगा वो सब बच्चों को, सबको पानी पिला दे, सोयाबीन जितना डाला था उतना खत्म करके। भाई बबली बहुत परेशान करती, इसके नीचे से निकल जाती वो साइड, दो चार बाल्टी ला के डाल दे पानी ताकि सब पी ले, सबको पिला ले। हाँ मस्त, गेट लगा देना। चलो सुरेश भाई छोड़ो उसको, फटाफट से जो है कि भाई अपना जो गोटिया है उसको छोड़ के आते हैं, फिर जो है कि दूसरा काम जो है कि आने के बाद निपटाएंगे। गोटिया, तो फाइनली दोस्तों हमारा गोटिया जा रहा है। नहीं गोटिया जब भी जाता है तो भाई इतना दुख नहीं होता है जितना हमारा गड्ढा गया था और दुख हुआ था, भाई इतना नहीं होता। नहीं गोटिया तो कभी भी जाता तो दुख नहीं होता, इधर भी चला जाता है। छोटी गाय है तो अगर ब्रीडिंग नहीं हुई तो हम जो है कि अपना गोटिया है उसको लेके आएंगे, वरना उसको नहीं लेके आएंगे। तो अभी फटाफट से जो है कि इसको छोड़ के आते हैं। ज्यादा मत भगे सूर्या, तू भाई उसको आदत हो गई है, यहाँ से सिर्फ रस्ते पे लगा दो तुरंत जाता है, लेकिन उसको रस्सी से बांधना पड़ता है ऐसा, नहीं तो भाई वो किधर भी रास्ता आया मुड़ जाता है और किधर भी भाग जाता है, फिर जो है कि खेतों में भागता है, फिर बहुत परेशान करता है, तो उसकी वजह से हमें रस्सी बांध के उसे वहाँ तक छोड़ने जाना पड़ता है। पहले आता था, अभी नाटक करने लग गया है, पहले सीधे आ जाता था लेकिन अभी नाटक करता है। पहले वो क्या करते थे, उधर से गए बिल्डिंग हो गई छोड़ देने के, अरे ज्यादा बाजू में मत ले, गिरा देंगे सुरेश भाई, तू अरे मेरे को लगेंगे यार। धीमे चला, पीछे रह गया तो पीछे भाग जाएगा, धीमे। अरे क्या यार, कहाँ जा रहा है, रुक जा। बस रुक जा। तो फाइनली जो है कि हम पोपट मामा के वहाँ पहुँच गए हैं, और यहाँ पे जो है कि भाई पोपट मामा की भैंस की सेविंग हो रही है, हर साल करना पड़ता है, ये साल में दो बार। मुझे लग रहा है ये वाली गाय जो है कि हीट पे है आज, भरत भाई की कुटिया को जो है कि भी छोड़ दिया है, अभी चलते हैं सीधे घर पे। चलो यहाँ पे जो है कि भाई पोल खड़े कर दिए, सिर्फ नेट मारना है, तो फटाफट से मार देंगे। सुरेश भाई लास्ट में एक पोल बाकी, उतना कर दो, नहा धो के रेडी होते हैं, खाना पीना खा लेते हैं, फिर से काम स्टार्ट करेंगे। क्या है बागन तक, अरे अरे भाई उई मथुर क्वालिटी में। सुरेश भाई इसमें छांव बनाना पड़ेगा भाई, बहुत धूप लग रही है, बहुत धूप लग रही है। ये देखो सुपड़े कहाँ पे जाके बैठी है, यहाँ पे है अपनी बाहो, ये देखो भगत जो है कि दोस्तों अभी 6-7 दिन में जो है कि बच्चा दे देंगी। चलो भाई नहा धो के जो है कि अपन हो गए हैं अभी रेडी, तो अभी जो है कि काम स्टार्ट करना है, लेकिन अभी तक जो है कि भाई गाय लेके नहीं गए, और अभी बज रहे हैं कितने पता है आपको, कंप्लीट 12, और अभी तक जो है कि गाय लेके नहीं गई, क्योंकि गाय को अंदर फ्लावर की पत्ती थी पूरी फिनिश कर गई, पानी भी अंदर ही है तो कोई टेंशन है नहीं, और फाइनली जो है कि अपनी ब्लैक गिर है उसकी भी ब्रीडिंग भी हो गई है। तो अभी जो है कि गोटिया इतना जल्दी लाना नहीं है, इस साल जो है कि पूरी गाय जो है कि अपने मथुर से ही ब्रीडिंग होगी, अगले साल जो बच्चे आएंगे भाई क्वालिटी आएंगी। तो फाइनली जो है कि दोस्तों गाय जो है ये वाड़ा में आ गई, हालांकि ये वाड़ा में नहीं आई है, गाय जो है कि इधर से सीधे आगे जा रही है, क्योंकि आगे है किसान भाई का खेत,
तो उस खेत में जो है कि गाय जा रही है अभी खेत में चरने के लिए। अरे मथुर आगे चलना यार तू। और हरी भाई जो है मार्केट से आ गया है, तो अभी हरी भाई, महेश भाई और सुरेश भाई तीनों जा रहे हैं। ट्रैक्टर जो है कि नया वाला वाड़ा में जो है कि लगा दिया है यहाँ से वहाँ तक चरने के लिए। इसमें अभी आधा एक घंटा इसमें चराएंगे, फिर चले जाएंगे घर पे। वो पालक है, पालक में नहीं जाने देने के, इधर मार। नहीं ये पालक ही, ये भी दूसरा किसान भाई का है, ये भी दूसरा किसान भाई का है। देखो किसान भाई बोल रहे इसमें मत चराओ, इसमें चराओ। देखो किसान भाई भी हकल रहे, उनका घास खा रहे। महेश भाई तू उधर चलना यार, ये बाबा साहब ने हमारे खेत बोला है चराने के लिए, बोले दिन भर अभी इसमें गाय चराओ। भाई गाय जो है कि आ गई है, तभी गेट खोल देते हैं। वो 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 अब ये पत्थर किसने डाल दिया। चलो आ जाओ, आज इतना दिक्कत नहीं देंगी। हाँ वो देखो वो जा रहा, वो गया, आज जाएंगे ऑटोमेटिक जाएंगे भी। ये देखो कल बहुत परेशान कर रहे थे लेकिन आज ऑटोमेटिक गए सब। ये देखो ब्यूटी तू भी जा, चलो अंदर चलो। मैं जी किधर जा रही हो, बस गेट बंद कर, उसको भी कर दे बंद अंदर। ये देखो दोस्तों यहाँ पे तो देखो इन्होंने मूर्त कर भी दिया है, बबली ने फाड़ा या छोटे बच्चों ने फाड़े पता नहीं, लेकिन यहाँ पे फाड़ दिया देखो। हाँ चलो फिर खेत में से जाके आ गए। मथुर मथुर गेट जो है कि भाई इसका सेटिंग करना पड़ेगा, ये जो है कि थोड़ा ऊपर उठ गया, नहीं लेवल में होता ना तो हमें तार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, इससे हो जाता, लेकिन अभी ये ऊपर उठ गया इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन बाद में करेंगे। तो फिलहाल जो है कि यहाँ पे जितने भी खंबे थे सब खड़े कर दिए और उनको लगा दिया है तार। अभी जो है कि गाय बांधने का टाइम हो गया भाई, धूप की वजह से जो है ना भाई इतना सिर दुख रहा था मेरा आज की भाई पूछो मत, यहाँ से इतना काम निपटाया और सीधा जाके भाई सो गया था मैं। और फिलहाल जो है कि ये साइड इन्होंने अभी जो है कि गाय बांध दिया है, क्योंकि एक दो दिन ही यहाँ पे दिक्कत देते हैं, बाद में जो है कि इनको आदत हो जाती है। अभी जो है कि इनको आदत हो गई है, अभी इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं देंगे भाई, आराम से जो है कि अभी यहीं पे खड़े रहेंगे। दो तीन दिन ऐसा करते हैं, फिर बाद में जो है कि वो जगह को एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर उनको लगता है कि नहीं यही जगह हमारी है, तो फिर वो जगह छोड़ के कहीं नहीं जाते। और अभी दो दिन बाद तो वाड़ा से निकल के यहाँ पे बाहर को बांधी है ना, तो दो दिन बाद बाहर यहीं पे आके खड़े रहेंगी। अगर बाहर को तीन दिन लगातार यहीं पे बांधा तो नहीं तो एक दिन यहाँ पे बांधोगे, एक दिन वहाँ पे बांधोगे, एक दिन वहाँ पे बांधोगे, खुद बाहर कंफ्यूज हो जाएंगे भाई मुझे जाना कहाँ पे है। अगर यहीं पे बांधोगे तीन दिन बाद जो है कि बाहर वाड़ा में से निकल के सीधे यहाँ पे आके खड़े रहेंगे। तो दोस्तों तो जग्गू दादा का सिर दुखता था तो मैंने हरी भाई ने मिल के दो सब गाय बांधे, इधर महेश भाई बांध रहा है बरोबर ना, बस कुछ नहीं है बांधे थे, अभी मिल्किंग स्टार्ट कर देते, फिर मिल्किंग कर लेते हैं। 100 रुपया दूंगा, मेरी तारीफ कर, तेरी तारीफ करूं, वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। दोस्तों तो ये कुछ नहीं करता, ये 100 रुपये लेने नहीं है मेरे को, गजब बेइज्जती है। हाँ, ए बांधे फटाफट से। ए सुरेश भाई ओ गड्ढा देखने कब जाना है? हाँ ये इतना काम निपटा के जाएंगे फिर बाद में, दो तीन दिन में जब भी टाइम मिलता है तो जाएंगे और गड्ढा जो है उसको देख के आएंगे। बहुत धूप है, छांव पहले करना पड़ेगा यहाँ पे, पूरा काला हो जाऊंगा। तू ऐसे कब गोरा था, तू काला ही है भाई। यहाँ का जो व्यू है ना भाई एकदम अलग लेवल है। भाई अगर ऐसे ही रहा ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ये बच्चे जो है ना छोटे छोटे ना कहीं दांत लगा के ना तोड़ देते हैं। वो देखो वहाँ पे एक दो जगह पे तोड़ दिया है यहाँ पे। चलो अरे भाई अभी फटाफट से मिल्किंग कर लो, क्या डीजल है क्या नहीं, डीजल नहीं है तो सुरेश भाई को बोल दे शाम को डीजल लेके आ, बोले इतना है तो बोल दे उसको डीजल लेके आ शाम को। तोड़ा ना भाई, इतना मारूंगा टक्कर ही फोड़ूंगा तुम्हारे यार, नेक तोड़ दे रहे बच्चे। अरे ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी क्या है तेरे को भाई, बहुत शोर करते हैं, तेरा नाम ब्लैक ब्यूटी नहीं है। और एक देखो अबे नन्ना मुन्ना आ गया। ये देखो आज तो जो है कि फटाफट से लगभग गई जो है कि बैठ भी गई। सुरेश भाई वहां पे जो है कि छोटे बच्चों ने नेट जो है वो फाड़ दिया, उसका कुछ कर।
तो फिलहाल जो है कि मिल्किंग वगैरह सब हो गया है और इधर जो है कि सुरेश भाई अभी लेके जा रहा है मिल्क, कभी जो है कि डेयरी में लेके जाएगा। पाला नो ही आवे भाई, मळे नो नो आवे नो आवे तो डीजल लेके आना सुरेश भाई। दूध लेके तू जा रहा है या सुरेश भाई जा रहा है? हरि भाई जा रहा है। नहीं हरि भाई, हरि भाई तू मत जा। मैं नहीं जाने वाला। हां वो नहीं जाएगा, तू इधर सो जा। कौन? नहीं मैं यहां पे नहीं सोने वाला हूं, यहां आपा सोने वाले। आपा बोले ठीक है, 1500 रुपया दिया है, 1500 का डीजल ले गया। एक काम कर, गाड़ी में 500 का डीजल डाल दे, 1000 का सॉरी गाड़ी में 500 का पेट्रोल डाल दे, 1000 का डीजल लेके आ जा। कुछ करता अभी हाँ, और पैसा जो है कि हमारे सेठ ने दिया है, पूरा मैनेजमेंट जो है गाड़ी पे करते है पूरा। जब देखो तब बोलता है डीजल खत्म हो गया। अबे मैं तेरी गाड़ी में क्यों बैठ गया? उतर ले, वो थोड़ा काम है मुझे, उसकी वजह से मैं जा रहा हूँ। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। ब्लॉग अगर पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। इस ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं कोई नए ब्लॉग में। जय श्री।